बाबे का जन्म पहले होगा या बाद में होगा? भक्ति मार्ग में राधे को बड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं? बड़ा दिखाते हैं। प्रत्यक्षता ज्योति वाले की पहले होगी या दूसरों की प्रत्यक्षता पहले होगी? बाबा प्रत्यक्ष होने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। हाँ तो ज्ञान देगी और प्रत्यक्ष होगी, कोई एक सेकंड में प्रत्यक्ष होगा। अभी अभी लिया और अभी अभी जन्म लिया, प्रत्यक्ष हुआ। धारण करने के लिए यही तो बताया कि जिसके पास जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होगी, उस आत्मा को पुरुषार्थ में गैलप करने में सहज होगा या कठिन होगा? बहुत सहज होगा। और जो आत्मा जन्म जन्मांतर की अपवित्र होगी, उसको चढ़ने में तकलीफ होती है, सहज नहीं होता है। नारायण का तो एवर प्योर बाप ने जोड़ दिया है। एवर प्योर बाप ने जोड़ दिया है। हाँ, एवर प्योर बाप प्रवेश करने मात्र से ही जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो तन से पवित्र हो जाती है क्या? तन का रंग तो है ना, तन का संग का रंग है या फिर तो बुद्धि का संग का रंग है? है? तो बुद्धि का संग का रंग है तो बुद्धि ही तो पवित्र बनेगी, तन तो नहीं पवित्र बन जाएगा। तन तो पवित्र तब बनेगा जब बुद्धि 100% पवित्र बन जाए, तब तन निरोगी बनना शुरू होगा। ये टाइम लग जाता है। बाबा नारायण मतलब आयन माना घर बोला, मतलब शरीर को लेके है, सिर्फ बुद्धि के लिए कह रहे हैं। जो घर है वो आत्मा का घर है और वो घर ज्ञान का तालाब दिखाया जाता है। वो ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ होता है या शरीर में भरा हुआ होता है? आत्मा की बात, आत्मा शरीर का अंग है। जैसे कहा गया जैसे कार में ड्राइवर जरूरी है, ऐसा ही शरीर को चलाने वाला आत्मा है। हाँ आगे। आत्मा भी क्या शरीर का कोई कर्म नहीं करेगी ना? आत्मा शरीर के बिगर कोई कर्म नहीं करेगी, ये पक्की बात है। लेकिन मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? ज्ञान जल में निवास करती है। शरीर को ज्ञान नहीं कहा जाता, शरीर तो जड़ तत्वों का पुतला है, शरीर में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कैसे होता है? आत्मा में ज्ञान। नारी छोटी की मात्रा लगाओ तो होगा नारी, और उसको कहते हैं नार, नारद। नार माने ज्ञान, दा माने देने वाला, घूमता रहता है स्वर्ग में भी नरक में भी सुख के पतन में भी, सबों को ज्ञान देता रहता है, खुद नरक में गोते खाता रहता है। तो नारद नाम पड़ गया। नारद से विज्ञापन होता है नारायण। नरक की दुनिया का चिंतन ही ना करे, नरक की दुनिया में बार बार आने जाने की दरकार ही कर पड़े। कैसे है
सिर्फ अपने पर्सनल के लिए है या यज्ञ के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा? यज्ञ में जो सेवा कोई अपने लिए कम खर्च वाला नहीं बने, अपने लिए तो बना, लेकिन किस संस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई या जिस सोसाइटी के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई उसके लिए ध्यान न दे, खूब खर्च करे, पैसा आ रहा है खूब खर्च करे, उसे स्वार्थी कहेंगे या परमार्थी कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे। फिर ये सच्चा तो वो है जो अपने लिए भी कम खर्च वाला नसीब बने और साथ में परिवार के लिए भी कम खर्च वाला नसीब बने। अब यहाँ तो लक्ष्य है वस्तु है वो कुटुम्बकम, सारी दुनिया को हमारा परिवार बनना है, जिसमें की कोई भी आत्मा हो वो अगर पूछे कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, बहुत खर्च कर दें या थोड़ा खर्च करें, थोड़ा खर्च थोड़ा खर्च करने के लिए बताना, ये है सच्ची सद्भावना। ऐसे नहीं अरे इसके पास तो बहुत है खूब खर्च करे, तो फिर आगे आने वाले को क्या देंगे? है हाँ है नहीं, वरुणा नदी अलग गहरी नदी है, चौड़ाई ज्यादा नहीं है, और गंगा नदी तो बहुत चौड़ी भी बनती है, उतनी गहरी नहीं बनती, और वरुणा नदी काशी में ही है, जो आकर के काशी में गंगा में मिलती है, और गंगा नदी तो बद्रीनाथ गंगोत्री कहाँ से पहाड़ों से बहती हुई, हरिद्वार ऋषिकेश फरुखाबाद कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पटना कौन कौन से शहरों में बहती हुई आती है, बिल्कुल ठीक ऐसी गलती नहीं, उसको कहते एक्यूरेट। और एरी से चोटी तक की ताकत लगाना वो एक्यूरेट बात नहीं, सारी शक्ति लगाना मैंने एरी से चोटी की ताकत लगाना। वरुणा नदी जो वरुण है देवता अरुणा वरुण, वेदों में दो देवताओं का नाम साथ साथ लिया गया है, अरुण देवता माना सूर्य देवता और वरुण देवता, तो वरुण की पुत्री का नाम वरुणा, प्रवेश करने वाले दादा देवदास की वार्ड या जिन्होंने संगमी कृष्ण को भी जन्म दिया उनको कहेंगे प्रकृति जीवों में से किसी कहेंगे? प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? चैतन्य प्रकृति के बारे में है तो चैतन्य कोई आत्मा, लेकिन जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होगी या चैतन्यमयी बुद्धि होगी? चैतन्यमयी बुद्धि जो है उसमें चेतन शक्ति ज्यादा होगी या कम होगी?
तुम्हारा भूल प्रेम कम समझता हाँ, इसलिए उसको यह तुम्हारी प्रकृति कहा है। तो जो प्रकृति है उसकी रचना में प्रकृति पति ने पति साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? साकार को पति कहा जाता है। निराकार तो सिर्फ पिता है और कोई दूसरा संबंध नहीं है। तो जो प्रकृति पति ने प्रकृति की रचना की है वो एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी पावर है इतनी पावर और किसी में नहीं भरी, कोई आत्मा में नहीं भरी जितनी प्रकृति में पावर भरी। इसलिए बहुत पावरफुल हो जाती है। जैसे कुमारों के लिए कहा, कुमार जो चाहे सो कर सकते है ना, सारी दुनिया का विनाश करना चाहे तो वो भी कर सकते है। कितनी पावर होगी ऐसी की पावर अकूत है। माया को तो सिर्फ सर्वशक्तिमान कहा जाता है लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है। जो शिव के पुत्र हैं शिव कुमार उनको हरा सके क्या? प्रैक्टिकल जीवन में अभी ब्राह्मणों ने देखा कि माया का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो अंत में तंग आ जाती है या नहीं आ जाती? हिम्मत हार जाती है। तो सर्वशक्तिमान तो कहा गया है नहीं सर्वशक्तिमान, लेकिन वही माया बेटी जब प्रकृति के हाथ मिलाती है तो सारा ब्राह्मण का जो समुदाय है संगठन है साफ का विनाश कर देती है। छोटा सा संगठन रह जाएगा जिसका विनाश नहीं होगा। कितनों का? आठ रह जाएगा। तो माया ज्यादा पावरफुल हुई या प्रकृति ज्यादा पावरफुल? माया, हाँ माया को भी इतना पावरफुल बनने के लिए प्रकृति का सहयोग मिलेगा तब पावरफुल बनेगी। ये उसकी बुद्धि की कमाल है। किसकी? माया की बुद्धि का। अरे प्रकृति भी तो माया का सहयोग ले सकती थी ना पहले, लेकिन गलत तुम्हारी बुद्धि है, वो पहले कदम नहीं बढ़ाती। लेकिन माया इतनी चालाक है ये हमारा दुश्मन और दूसरे का दुश्मन, तो हम दोनों नजदीक है, दोनों नजदीक होकर के काम करें। हाँ जी ऐसा अन्न वैसा मन, मन में जो संकल्प चलेंगे अगर मांस खाते रहेंगे जानवरों का खून पीते रहेंगे तो खून रग रग में समाएगा या नहीं समाएगा? जो संकल्पों का खून शुद्ध बनेगा हिंसक बनेगा या अहिंसक बनेगा? दुनिया जो आहार कर रही है वो खेती में से पैदा हुआ आहार ज्यादा कर रही है
क्या जानवरों से मिला हुआ आहार ज्यादा कर रही है? कितनी मछलियों का भंडार पकड़ा जाता है विदेशों और देश में भी। वो मछलियों का खाना अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भूख मर जाएगी। अभी अन्न का भंडार दुनिया में बहुत थोड़ा रह गया है, तो अन्न से मन बनता है। वो है स्थूल खून और ये है संकल्पों का खून। अगर संकल्पों का खून शुद्ध बनाना है तो मांस गोश्त अंडा मछली शराब आदि ये काम की चीजों को खाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पवित्र नहीं रहते उनके हाथ का खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा। पूर्व जन्म के संस्कार संचित होकर के आखिरी जन्म में आते हैं ना कि नहीं? तो पूर्व जन्म में मांस नहीं खाया होगा, अशुद्ध अन्न नहीं खाया होगा। इस जन्म में ऐसा हिसाब किताब बन गया कि ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लिया कि मांस गोश्त अंडा मछली शराब खा रही। जन्म का हिसाब किताब भी तो काम करता है। ऐसा एकदम प्रजापिता वाली बेटी को बनारस में जन्म लिया, प्रजापिता ब्रह्मा जो राम है वो बनारस में जन्म लिया ना। बनारस में तो मछली खाते हैं। बनारस में जन्म लिया राम बाप ने? कलकत्ते में जन्म लिया तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि वहाँ बनियन ट्री की यादगार बनी हुई है। वहाँ के लोग मछली खाते हैं, वहाँ के लोग मछली खाते हैं। ब्राह्मण जी ठीक है मछली खाते हैं तो फिर उसका भी तो यहाँ कैसे? हाँ मछली खाते हैं तो क्या हुआ? वो तो माँ है ना बाबा। हाँ तो फिर अभी बताया गया पिछले जन्मों का संस्कार होने के द्वारा ऐसा माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं। तो फिर वो राम कैसे पढ़ा? क्या कैसे पढ़ा? हाँ मतलब वहाँ कलकत्ता में जन्म लिया और मछली खाना पड़ा। तो ये आचार्य बताया गया ना ऐसा संस्कार होगा इसलिए उसका ऐसा माँ बाप ने बोला है जन्म। ऐसे यहाँ बहुत से ब्राह्मण है जो ज्ञान में आने से पहले मांस मछली खाते थे, राम तो अब ज्ञान में आने के बाद नहीं खाते। क्या शूटिंग की घर में जन्म लेने के लिए? हाँ शूटिंग पीरियड में कौन सा जन्म? दो जन्म है ना प्रजापिता के। हाँ कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? कलयुग के अंत में पहले जन्म की बात कर रहे हैं या दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं? सेवक राम का जो जन्म हुआ कलकत्ते में वो अंतिम जन्म 84वां जन्म है। 84वां जन्म सबसे पतित भ्रष्ट होना चाहिए या श्रेष्ठ होना चाहिए? तो मांस मछली खाने वाला है तो क्या हुआ? और बिल्कुल मीरा भाई का रुपया ये महाकाली के लिए कहेंगे या वैकुंठ देव के लिए कहेंगे? ग्लानी किसकी होती है? राम की ग्लानी, कृष्ण का मुंह काला, शिवलिंग काला, ये काले मुंह वाले क्यों दिखाई गए?
ग्लानी का काम किया तब काले मुंह वाले बने, या गायनियों की काम किया तब काले मुंह वाले बने? अरे ग्लानी का काम किया, तो बात का जवाब मिल गया। वैष्णवी देवी जो है उसकी ग्लानी क्यों कहेंगे इतनी? और है क्यों नहीं जवाब दे पाते? कांदा लहसुन उत्तेजक है, इंद्रियों में उत्तेजना लाता है। हाँ दवाई की बात अलग, दवाइयों के रूप में पता नहीं कैप्सूल में क्या क्या डाला जाता है, रोग खत्म हो जाए उसे खत्म। एलोपैथी की बात छोड़ो, जो होम्योपैथी है उसमें से कीड़े मकोड़ों का लवादा निकाल के डाला जाता है पेट पर, मकड़ी के पेट में जो भरा हुआ होता है उससे दवाइयां बनती है, वो तो बात ही खत्म कर दो। प्रश्न आया है, गलत फहमियां पैदा होती है क्यों होती है और किसको ज्यादा होती है? गलत फहमियां पैदा होने का मूल कारण है संवादहीनता की कमी, दिल खोल के एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। गलत फहमी पैदा होगी, ये तो हुआ क्यों का सवाल। जैसे रुद्रमाला के मणकों के लिए बोला, मजबूरी से मिले हुए हैं रुद्रमाला के मणके, मजबूरी से इकट्ठे होकर बैठते हैं, आपस में मोहब्बत मोहब्बत नहीं है बाबा, मोहब्बत की एक हिस्सा है, मोहब्बत बेकार है। माने ईश्वर फैमिली का जो मोहब्बत है वो बेकार है, ईश्वर है, ईश्वर की फैमिली, ईश्वर से भूत प्रेत की फैमिली नहीं है। ईश्वर बाप है और जो भी परिवार के सदस्य है वो हमारे भाई बहन है, तो ईश्वरीय फैमिली हो गई। ईश्वरीय फैमिली जो है उसकी मोहब्बत खराब है, चीज अच्छी चीज है, उसी मोहब्बत में रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं और हम रायल से रायल फैमिली के बच्चे हैं। तो दुनिया वाली जो फैमिली होती है उसमें तो भाई बहन का दुश्मन बन जाता है, मामा भांजी का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटी का दुश्मन बन जाता है, वो तो फैमिली अलग। और ये फैमिली इसका तो मूल फाउंडेशन ही है प्योरिटी, तो बहुत ऊंची चीज है। कोई सोने की जंजीर जो बंधन डालती है उसे कहते हैं जंजीर, और बंधन रावण डालता है या राम डालता है, वो चाहे ब्राह्मण परिवार में हो कोई भी प्रकार का बंधन डालना, हमारी बात मानो, हम इंसान हैं। हम जोनल इंचार्ज हैं, हम सारे विश्व के इंचार्ज हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? ये कौन सा बंधन हो गया? ये रावण का बंधन है या राम का बंधन है? ये राम संप्रदाय का बंधन नहीं है, ये रावण का बंधन है। राम बाप तो आकर के खुद कहता है, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, 70 साल हो गए बोलते बोलते, ये करना है ये नहीं करना है, किसी को आर्डर करके घोट डाला गया, डंडा मार दिया गया। चलाया
तब उसका नाम पड़ता है ईश्वर। ईश माने शासन, पर माने श्रेष्ठ, त्रिलोक के ऊपर शासन करता है। दिलवाड़ा बाप कहा जाता है, जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी प्रकार की। जो भी ज्ञान में चलने वाले उमंग उत्साह वाले हैं, जिनका उमंग उत्साह कभी ठीका नहीं पड़ता और युद्ध भूमि में सदा खड़े रहते हैं, क्या भागने वाले नहीं है? ऐसी रूहानी मिलिट्री यहाँ ब्राह्मण में भी बनना है या नहीं बनना है? और उसका मार्शल होगा जमकर। जब मार्शल ना लगेगा तो समय बड़ा बुरी हो जाए। रूहानी मिलिट्री रूहानियत की स्टेज में रहने वाले किसान मिलिट्री को तो पेमेंट मिलता है, किसानों को पेमेंट नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उनका बैंक बैलेंस बन जाए। किसानों को घाटा ही घाटा जा रहा है, लेकिन वालों को घाटे की कोई बात नहीं। लौकिक जीवन में भी घाटा नहीं होना है, एक ही जन्म के लिए भी घाटा नहीं होना है। तो कुमारों को भी रूहानी मिलिट्री बनना चाहिए या किसान ही बनना चाहिए? है रूहानी मिलिट्री बनना अच्छा है। अभी कहा गया है जब माशाल्लाह लक्ष्मी है तो सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और आखिर में आज ही पाकिस्तान में बनते हैं बोल रहे सभी बनना चाहिए ना पाकिस्तान में सब कैसे बनेंगे? मैं अभी कहा ना माशाल्लाह लगता है तो आईडी लिस्ट निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते हैं? आईडी लिस्ट पर चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो था और था होने का मतलब है देहद में अनित्य बुद्धि। तो ऐसे ढेर के ढेर था होते जा रहे हैं, था होते 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 कितने बचेंगे? आठ बचेंगे जो पूरी सीमत को फॉलो करें। पहाड़ का नाम है शिवलिंग है जो शिवलिंग है ऐसे 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 क्या बिखरा हुआ है। बात यह है केसर कहा जाता है एक ऐसी कीमती चीज है जो दवाइयों में बहुत काम आती है और बहुत पावरफुल भी है। अगर कोई केसर दूध मिला मिला के खाता रहे तो ताकत, दिमाग को भी ताकत अच्छी देगी और दिल को भी अच्छी ताकत देगी। पहाड़ों से पैदा होती है तो
वो पहाड़ का नाम है केसर गुट्टा। क्या? केसर का पहाड़। केसर के पहाड़ की विशेषता है कि जो भी शालिग्राम है वो किससे जुड़े हुए है? शिवलिंग से जुड़े हुए। अच्छी बात है, खराब बात थोड़ी है। यही के आज में तो हैदराबाद का और अभी अंत में हैदराबाद है। उस दिन हैदराबाद में विशेष कार्य तो हुआ लेकिन बागंती होना पड़ा। क्या? और यहाँ तो ऐसा कार्य होना चाहिए जो चारों तरफ केसर की तरह खुशबू फैले, उसको कहते हैं माउंट काबू। क्या? बदबू का पहाड़। और ये है केसर गुट्टा। केसर गुट्टा माने खुशबू ही खुशबू चारों तरफ दुनिया में फैले, ऐसा संगठन होना चाहिए। योग बल है कि भोग बल? उल्टा उल्टा बोलते कम होने के कारण। योग बल कम होना माना भोग बल ज्यादा है। भोग बल से दुख होता है और योग बल से शांति आती है, अशांति खत्म होती है। अल्पकाल में भी साबित होता है कि अल्पकाल के लिए भोग बल चालू है। भोग बल इंद्रियों का होता है और योग बल मन बुद्धि का होता है। मन बुद्धि को कंट्रोल किया माने योग बल और इंद्रियों से सुख लिया माने भोग बल। चलो माता है। कर्मेंद्रियों से किए जाते कर्म का आधार ले तो ब्रह्मा श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है। और वाचा वो भी कर्मेंद्रिय है। वाच तभी होता है जब वाचा से बोला जाए। तो दूसरी मूर्ति है शंकर, वो भी वाच करती है या नहीं करती है? वाच तो करती है। लेकिन कर्मों में जो बाप का पाठ है शंकर के द्वारा उसको फॉलो नहीं करना है। बल असल रूप में कहा जाता है गीता में भगवान वाच। ब्रह्मा एक मूर्ति तो है लेकिन ऐसी मूर्ति है जो सिद्धि न प्राप्त करने के कारण
भक्ति मार्ग में पूरी नहीं जाती। मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती, मूर्ति नहीं बनती। और शंकर की मूर्ति भी बनती है, पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं। यादगार मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्ति के रूप में दो रूप में खड़े हुए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी गबन पूजा होती है, एक मूर्ति की पूजा होती है शंकर के रूप में, और एक निराकारी रूप में भी पूजा होती है लिंग रूप में। तो वो प्रधान मूर्ति तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में सड़क का गेट खोलने के निमित्त वो मूर्ति नहीं बनती। बनती है नहीं बनती। बाका ब्रह्मा भी चलाता है और बाका शंकर भी चलाता है। ये बात साबित होती है कि सुनना सुनाना बड़ी बात नहीं है और समझना समझाना भी थोड़ी बड़ी बात तो है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी होनी चाहिए। सुनने सुनाने से भी नंबर नहीं बनेंगे, और समझ लिया और दूसरों को समझा दिया तो भी नंबर नहीं बनेगा। नंबर कैसे बनेगा? धारणा कर। तो धारणा रूप मूर्ति कौन सी है? विष्णु। धारणा जल्दी हो जाती है, इसका भी कोई कारण होगा? जो जन्म जन्मांतर की चैती है वो कारण बनती है धारणा करने में। और धारणा करने के लिए कोई जरूरी है कि मुख से बोल बोल किया जाए? नहीं है, नहीं है जरूरी। चाल और चलन और जो हाल और भाव वही धारणा को प्रत्यक्ष कर देती है। तो ब्रह्मा की मूर्ति से उपवास करते हैं, शंकर की मूर्ति से भी उपवास करते हैं, लेकिन तीसरी मूर्ति से उपवास करने का बात है नहीं। बाकी ऐसे भी नहीं है कि तीसरी मूर्ति विष्णु कोई गूंगा होगा, बात ही नहीं करता होगा। गूंगा होगा क्या? मुख से बोलता नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं करता होगा। बातचीत तो करता है, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, इस बात की धारणा तीसरी मूर्ति में जितनी जाती होती है उतनी और कोई मूर्ति में नहीं होती। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मुख से ही उपवास किया जाए, आंखें भी उपवास करती हैं, मनुष्य के वाइब्रेशन भी उपवास करते हैं। असर किसका जास्ती पड़ता है? धारणा का ज्यादा असर पड़ता है या बोल बोल का ज्यादा असर पड़ता है?
या भाग दौड़ का ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव भगवान वास, उसके लिए तीन लाइनें भी दिखाई गई हैं। ब्रह्मा में भी प्रवेशता है, लंका में भी प्रवेशता है और छोटी सी लाइन विष्णु में भी दिखाई गई। बाकी वो प्रवेशता नहीं कहेंगे, प्रवेशता साबित ही नहीं होगी, ज्वेलरी की धारणा के कारण वो ऐसा ही धारणावान व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हो जाता है, जो त्रिमूर्ति में उसको शामिल कर दिया जाता है। बाकी बाबा तो कहते हैं विष्णु कोई मूर्ति अलग से होती ही नहीं, कोई मूर्ति है कौन सी है, ब्रह्मा और शंकर और दुनिया में तो सच तो एक होता है, इसलिए सत्यनारायण की कथा है महिमा है। लक्ष्मी में भी इतना सच्चाई नहीं है तो इसीलिए उसको भी कथा नहीं बना। तो किस बात में लक्ष्मी का सच्चाई में कम है इसलिए नहीं बना। वो एडवांस ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही ज्यादा सुनाया जा रहा है या दुनिया वाले भी ज्यादा सुन रहे हैं? ज्यादा परसेंटेज में कहां से निकल रहे हैं? ब्राह्मण दुनिया से ही निकल रहे हैं ना। तो जब ब्राह्मणों की दुनिया से ही एडवांस ज्ञान में इतने ढेर के ढेर निकल रहे हैं तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, वो सच्चाई है उनके दिल के अंदर की या झूठा ही है? वो मान मर्तबा चाहने वाले हैं या शिव बाप का ज्ञान चाहने वाले? इसलिए लक्ष्मी की भी सच्चाई नहीं गाई हुई है, सिर्फ नारायण की सच्चाई सत्यनारायण की कथा के रूप में घर घर में गाई जाती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को संदेश दिया गया वो ही तो एडवांस ज्ञान देंगे, हमको तो दिया ही नहीं गया तो लेंगे कहां से? अगर कोई ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहे और उस लिस्ट में अगर लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली भी आत्मा आए और ये कहे कि हमें क्या मालूम, नहीं तो ये कह नहीं सकते क्योंकि बाप के डायरेक्शन के अनुसार हम सबसे जाती संदेश मुख्य मुख्य जो इंचार्ज बहने हैं उनके पास गए हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से गए हैं और अभी तो इंटरनेट में चल रहा है, सारे बीके वाले जानते हैं कि एडवांस ज्ञान इंटरनेट में भी चल रहा है। तो जो सच्चाई को सुनने वाला ही नहीं है तो समझेगा कहां से?
पहले तो सुनना होता है या समझना होता है? तो नवरत्न नवरत्न में जो कमलायु जो बुखार का आया था ना, क्या है नवरत्न में जो व्याय कम कमलायु होता है ना बुखड़, क्या उसको क्या कहते हैं? बुखड़ कम मूल्य वाला, हाँ कम बुखरा 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 हाँ जी ऐसा। तो नवरत्न ही नवग्रह है ना, नवग्रहों में ऐसी तो कम कम वैल्यू कम मूल्य वाला मूल्य वाला कौन सा है? बाबा तो कहते हैं उसे कोई कीमत नहीं, वो इसलिए रखा जाता है ताकि दूसरे रत्नों की कीमत आंकी जा सके, इसलिए वो निगलेक्टेड है। इसलिए वो अष्ट देवों में नहीं आता, नौ की दृष्टि में तो आता है। वो अर्धनास्तिक है, अर्धना नवग्रह में वो कौन इसका बात है बाप? वो रवि बुध चंद्र और शनि केतु राहु कहना जरूर लैप्टिस्ट होगा और सबसे बड़ा लैप्टिस्ट होगा खास भारतवासियों के लिए। ऐसे इस्लाम धर्म सबसे बड़ा लैप्टिस्ट है देखा जाए तो, लेकिन इस्लाम धर्म का जो धर्म पिता है वो अहंकार में सामने मुख किए हुए बैठा है या इंडिया की तरफ मुख है, भारत की ओर मुखातिब है? ध्यान देखिए तुम्हें, और जो भी धर्म पिता है सब अहंकार में सामने बैठे हुए, और इस्लामियों का जो धर्म पिता है इब्राहिम वो भारत की ओर मुखातिब है। मना द्वापर के आज में जो इस्लामी थे वो सब मूर्ति की पूजा करने वाले थे, देवताओं की मूर्ति को पूजा करने वाले थे, वो एकदम विरोधी नहीं थे। तो बताओ एकदम विरोधी कौन सा धर्म है? और अभी भी चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो सबसे जाति विरोध वो ही करते हैं। कौन है? आर्य समाज। एडवांस ब्राह्मणों का भी एडवांस ज्ञान का भी सबसे जाति विरोध करने वाला कौन साबित हो गया? कौन है? अरे कोई है कि नहीं है? कौन है? है? ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया गया, ऐसी संगठित करके बड़े बड़े क्लास बना करके टीचर्स को पढ़ाई पढ़ाई गई कि एडवांस का विरोध किस तरह किया जाए। इसी में सारी बुद्धि चली गई विरोध करने में। यहां तक विरोध किया कि दिमाग में ट्यूमर बन गया। इस
ये कोई कीमत नहीं। तो ज्ञान में एक पोइट्री है और एक प्रोज है। पोइट्री है, प्रोज है, ज्ञान दोनों पे प्रोज है, पोइट्री है। तो हमारा तो ज्ञान है, वो है प्रोज और पोइट्री। लेकिन जो संदेश है, मुरली में बाबा कहते हैं संदेश में भी माया आती है, संदेशों में भी माया आती है, संदेश लेके आती है, उसमें माया आती है ना बाप। हाँ जी, गुलजार तो गुलजार है ना, जो संदेश लाते है ना बाप। हाँ जी, उसमें भी माया आने की संभावना है ना बाप। ठीक है, तो बाप गुलजार की संदेश को भी तो क्या करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा की वाणी को बता दिया और भगवान की वाणी को पोएट्री गीता बता दिया, गीता ज्ञान। और मुरली माया ब्रह्मा की भी बात माननी चाहिए। और अपोजिशन नहीं किया है कि ब्रह्मा की बात नहीं मानना है। और ब्रह्मा ने ही डायरेक्शन दिया कि जिस सब्जेक्टी को नियुक्त करेंगे उसके द्वारा बाप दादा वाणी चला दे। तो संदेशियों में मुख्य संदेशी कौन हुई? गुंजादर। ये जो लोग संदेशों पर आस्था रखने वाले उनको देखते हुए गुंजार के द्वारा जो संदेश आते हैं उनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन आत्माओं का भी कल्याण करना है। बाकी ये बात नहीं है कि संदेशी के द्वारा जो संदेश सुनाया जाता है वो प्रोज है या पोएट्री है। प्रोज भी नहीं है और पोएट्री भी नहीं है। जिनकी आस्था है संदेशियों के ऊपर उनको चलाने के लिए वो चल रहा है। और प्रश्न आया है, बाबा हमको बाबा तो बहुत पसंद है, क्या बाबा बहुत पसंद है, लेकिन हिंदी ना आने के कारण हमको उमंग या नशा नहीं चलता है। तो क्या करना चाहिए बाबा? अभी भाव बोला है ना बाप, तो भाषा इशारा से होती है, हाव भाव से होती है, ऐसा बोल दिया ना। फिर भाषा समझने की क्या सरकार है? बाप को देखने से लिए हमको नशा करना है। किसको देखने से? बाप को, बाप को देखने से। बाप स्वर्ग के गेट खोलेगा, खोलेगा। अरे ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें स्वर्ग में जाने से ही रोक दे? नारायण और नारायण बनने के लिए। हाँ, वो ज्ञान सही होगा ना।
अगर ज्ञान की गहराई नहीं होगी, ज्ञान की गहराई नहीं होगी, जैसे बी के बारे में ज्ञान की गहराई नहीं है, तो वो स्वर्ग में जावेंगे क्या? शास्त्रों में भी लिखा है कि ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती। सारी दुनिया को भगवान की पहचान होनी है, पहचान माने ज्ञान। और ज्ञान आने के लिए, गहराई से ज्ञान पकड़ने के लिए, माँ बाप की जो भाषा है वो बच्चों की भी भाषा होनी चाहिए। तो बच्चे अगर भाषा नहीं समझते हैं या अधूरी समझते हैं तो या तो गूंगे या तो बहरे। तो बच्चे ऐसे भी परिवार में पैदा हो जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत कुछ लेकिन उससे बोल नहीं सकते। कोई बच्चे ऐसे हैं जो बोल तो सकते हैं, क्योंकि जो हैंडीकैप्स होते हैं ना उनकी और इंद्रियां बहुत तीखी होती है, क्या उनकी आंख में बड़ी पहच शक्ति होती है, तो आंख से देख करके ही पहचान तो जाते हैं बाप को। बाप के बच्चों को भी परख लेते हैं, ये बाप का असल बच्चा है, ये भागने वाला है, ये भी परख लेंगे लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि भाषा नहीं आती। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी बाबा के भाषा न जानने वाले बच्चे हैं, नहीं, स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो उमंग उत्साह में आने वाली बात है। उमंग उत्साह में हम जाती आवेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे, उमंग उत्साह नहीं आवेगा तो नजदीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ तो प्रश्न में प्रश्न भी किया जा रहा है और कारण भी बताया जा रहा है कि हमको उमंग उत्साह क्यों नहीं आती, क्योंकि हम भाषा नहीं जानते। तो जो चीज नहीं जानते हैं जान लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि ऐसे सैंपल यहाँ नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद, एडवांस ज्ञान लेने के बाद उन्होंने हिंदी नहीं सीखी है। बहुत से ऐसे हैं जब एडवांस में नहीं थे तो आई काका दादा नहीं जानते थे और अभी धड़ाधड़ हिंदी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पुरस्कार भी नहीं करेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी? कारण का निवारण कर दो, उमंग उत्साह कर। किताबें तो ऐसी बहुत सी छप चुकी है जो तेलुगु वालों को हिंदी सिखाती है, रिपीट जल्दी से तेलुगु से हिंदी बोलना सिखाती है। तेलुगु भाषा लिख पढ़ सकते हैं तो नहीं पढ़ सकते, पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता?
Where is the bill? Where is the way? और कुछ नहीं, ब्रह्मा कुमारियां भी ढेर की ढेर ऐसी हैं पुरानी, जो हिंदी भाषा ही जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी। और बाबा की मुरली सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली। यहां भी ऐसे बहुत से होंगे, बाबा का ऑडियो सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली होगी। उन्होंने किसी से हिंदी सीखी नहीं, किसी ने उनको अलग से हिंदी पढ़ाया नहीं, लेकिन ऑडियो और वीडियो सुन करके देख करके उन्होंने हिंदी बोलना भी सीख लिया और हिंदी समझना भी सीख लिया। ये तो सब बहानेबाजियां हैं। अभी भी रेगुलर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर बाबा की मुरली सुनते रहे, बीसीडी देखते रहे रेगुलर, तो 1 साल के अंदर हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाएगा। बाबा खुद पढ़ाई पढ़ाता है।